आईपीएल गुस्सा मैंने उनका तब देखा था, हम श्रीलंका से खेल रहे थे T20 इंदौर में, मुझे याद है वो कुशल परेरा बैटिंग कर रहा था, उसने एक कवर्स के ऊपर से चौका मारा, वो आके मेरे पास बोले कि वहीं से उन्होंने आवाज मारा कि कवर्स उधर करके पॉइंट इधर कर ले, तीन इधर रख ले। तो मैंने वो वाली बॉल सुनी नहीं, मैंने वो बॉल सुनी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया वो उन्होंने क्या बोला, मैंने डाल दिया, उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मार दिया। वो मेरे पास आया गुस्से से, उन्होंने बोला मैं पागल हूँ 300 वनडे खेला हूँ समझा रहा हूँ यहाँ पे। वेलकम टू ASAP विद JSAP, कुलदीप यादव, हमारे कुल के दीपक, बड़ा टाइम लगा आपके साथ जुड़ने में, कैसे हैं मेरे भाई? बिल्कुल बढ़िया, आपने टाइम ही नहीं दिया पहले, आप ही बिजी थे इतना। जिन जिन के बच्चे हैं उनके लॉकडाउन के मायने थोड़े अलग है, पर एक्चुअली में बेटर भी है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, प्लस लाइफ को और बेहतर तरीके से समझते हैं लोग, ऐसे बीवी हो तो फिर यार समझने की जरूरत नहीं है। ये इतने एक्सपीरियंस के साथ तुम कैसे कह सकते हो? मैं बस लोगों को देखता हूँ, टीममेट्स को देखता हूँ, तो समझ में आता है थोड़ा सा, मुझे भी आइडिया होता है। क्या ये तुम्हें शादी के नजदीक लेके जा रही है या दूर लेके जा रही है? अभी बीच में ही है, अभी तो बीच में ही रखा हुआ है, और ऐसा तो है नहीं कि शादी नहीं करनी है, पर अच्छा टाइम आएगा या फिर जब टाइम होगा तो वो भी चीज हो जाएगी। इट्स गुड टू हियर, फाइनली कोई कह रहा है जब अच्छा टाइम आएगा तब शादी हो जाएगी। हाउ आर यू कीपिंग अप विद द फिटनेस, क्या चल रही है एक्टिविटी, रूटीन क्या है घर पे? रूटीन तो अभी मेरा सोने का अच्छा खासा रूटीन बन गया है। वो नहीं टूट रहा है, आराम से उठता हूँ 10 बजे 10:30 बजे के आसपास, ब्रेकफास्ट करके शाम को वर्कआउट करता हूँ, पतंगबाजी के बाद पतंग पहले उड़ाऊंगा फिर उसके बाद वर्कआउट होता है। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जो पतंगबाजी की अभी मास्टर क्लास आई है, इट इज नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम हाउ अ स्पिनर गेट्स अ बिग बैट्समैन आउट, पहले थोड़ी ढील पहले उसको ढील दो और जब उसको लगेगा कि अभी खींचा मारेगा तो और ढील दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में आपको स्किल चाहिए, हर चीज में आप कहीं ना कहीं हर चीज से आप सीखते भी हैं, पतंगबाजी से आप पेशेंस सीखते हैं, कैसे आपको कब पेंच लड़ाना है, फिर कब आपको पता चलता है कि हाँ अभी बैट्समैन आपको अटैक करने वाला है, कब आपको स्लो तेज फेंकनी है, तो ये चीजें हर चीज रिलेट करती है हर चीज से, कंची गुल्ली डंडा पतंग सब खेला है, और इस वजह से मैंने पिताजी ने बहुत मारा मुझे। एक चीज पापा की बहुत अच्छी थी, वो पढ़ाई के लिए कभी ज्यादा बोलते नहीं थे कि पढ़ाई करो। पता नहीं क्यों, पर वो हमेशा शायद से उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई भी गेम में खेल रहा हूँ तो संगत थी, मतलब कि जो आपके फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो खराब ना हो, तो शायद इसलिए वो मारते थे। अगर मैं कंची भी खेल रहा हूँ तो जो मेरे साथ लोग खेल रहे वो इतने अच्छे नहीं है शायद, और गाली गाली का तो डर रहता है काफी पेरेंट्स को। क्रिकेट में भी उन्होंने मुझे डाला, मुझे मैं कभी मैंने नहीं बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, पर उन्होंने मुझे अकेडमी में डाला और वहां से उन्होंने ट्रेनिंग दी कि हाँ तुम खेलो क्रिकेट। कुलदीप याद है जब कॉल अप आया था कि आप इंडिया के लिए खेलने वाले, कहाँ पे थे, where were you, what was the reaction आपका पेरेंट्स का? फोर्थ टेस्ट मैच खेला था, तो मैच से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे बोला था लंच में, शायद लंच के तो हिमालय धर्मशाला में हम लोग, तो उन्होंने बोला कि कल तू खेल रहा है और तू 5 विकेट निकालेगा, तो उस टाइम तो मैं थोड़ा सा ऐसा लगा, फिर मैंने बोला जी सर मैं निकालूंगा, इतना बोल के फिर शाम को पता चल गया था कि मैं मैच खेल रहा हूँ। शाम को जनरली मैं सोता हूँ 10:30-11 बज जाते हैं कभी कभी, उस दिन मुझे याद है उस शाम को मैं 9 बजे तक मैं सो गया था, मुझे नींद आ गई थी, इतना मैं थोड़ा नर्वस था, प्रेशर भी फील कर रहा था, उस दिन मैं सो गया 3 बजे, फिर रात में उठा मेरी नींद खुल गई, फिर बगल में विराट भाई का रूम था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जाके इनको जगा लूं कि भैया मुझे नींद नहीं आ रही है मैं क्या करूँ, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ही गाली पड़ेगी, फिर मैं चुपचाप 2 घंटे के लिए फिर सो गया। 6 बजे फिर मैं उठा, फिर सबसे बड़ा चैलेंज होगा 1 घंटा और काटना था मुझे, मैं इधर से उधर घूमता रहा, रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट किया, बस में चढ़ा, शिव रामाकृष्ण सर ने दी थी कैब मुझे, मुझे याद भी नहीं उन्होंने मुझे क्या बोला क्योंकि मैं कम्प्लीटली ब्लैंक था उस टाइम, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था उन्होंने मुझे क्या बोला, मैंने बाद में भले सुना हो पर मुझे उस टाइम बिल्कुल याद नहीं कि क्या उन्होंने बोला। फिर उसके बाद जब बेड पे लेटा हुआ था तो क्रिकेटर्स के लाइफ पे हमेशा शायद होता होगा हमेशा
कि जब वो कुछ अचीव करते हैं लाइफ में तो जब सोचते हैं तो शायद उनके आंसू भी निकलते हैं। तो जब मैं लेटा हुआ था तो अपनी लाइफ सोच रहा था कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं कहाँ पे हूँ आज, तो खुशी के आंसू थे। पर वो टाइम हमेशा मेरे लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने जर्सी पहनी, जब मुझे इंडियन जर्सी मिली, तो मुझे बहुत लगा कि बहुत इमोशनल लगा। और उस टाइम मुझे लगा कि मैंने शायद जो मैंने मेरे डैड ने सपना देखा था वो मैंने पूरा किया। मैंने कभी इंडिया खेलने का सपना नहीं देखा। और जब मैं छोटा था तो हमेशा ये सोचता था कि मैं पहले अंडर 15 खेलूँ, अंडर 16 खेलूँ। जब मैं अंडर 19 इंडिया खेला तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा अपने स्टेट में, यहाँ से मैं स्टेट रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। पर हमेशा मेरा ये था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँ, रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करके जाऊँ, ना कि मैं IPL में परफॉर्मेंस करके इंडिया खेलूँ। मुझे टेस्ट मैच खेलना था, और वो टेस्ट मैच सिर्फ आप जब रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी खेल सकते हैं। वो अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि हाँ, बस में जाके बैठना, मैं हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठता था और माही भाई की सीट हमेशा रहती थी। तो मैं शायद किसी ने मुझे बोला कि वो सीट पे माही भाई बैठते हैं, तो फिर मैं दो सीट छोड़ के फिर मैं बैठता तीसरी सीट पे बैठता था। तो बोले कि वो भुवनेश की सीट है, भुवनेश पे बैठता है, तो फिर मैं उसके आगे वाली सीट पे बैठता हूँ, जो कि आज भी मैं बस पे हमेशा चौथी सीट पे बैठता हूँ, माही भाई भुवनेश भाई के आगे वाली सीट पे। तो वो सीट मेरी हो गई थी फिर। वो खूबसूरत एक रिलेशनशिप आपका यूजी का माही के साथ है, जो फील्ड पे दिखता है वो अक्सर वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ओवर टाइम, वो कॉन्फिडेंस ऑफ द फील्ड। माही भाई के साथ तो बहुत क्लोज है हम लोग। मुझे याद है कि बहुत खिंचाई करते थे बस में बैठे हुए, पूरे वर्ल्ड कप मेरी खिंचाई की है। मैं बस में एक्चुअली इंग्लैंड में ऐसे दो सामने दो ऐसे ऐसे सीट थी, माही भाई और शिखर धवन इधर बैठते थे, मैं और चहल इधर बैठते थे, तो सामने सामने रहते थे। तो इतनी हर प्रैक्टिस सेशन, हर मैच में बहुत मतलब हर रोज खिंचाई करते थे वो किसी ना किसी बात को लेके। उसके नेक्स्ट सीट में विराट में बैठते थे कभी, पहले स्टार्टिंग में वो हमेशा वो वहाँ बैठते थे, हमेशा वो आगे बैठते हैं। पर उस वर्ल्ड कप के टाइम में कुछ 20-25 दिन वो हमारे साथ बैठे, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और माही भाई के साथ तो हमेशा से रहा है, गुस्सा माही भाई को बहुत कम आता है। और ऑन द फील्ड गुस्सा मैंने उनका तब देखा था, श्रीलंका से खेल रहे थे T20 इंदौर में, जिसमें रोहित भाई ने 100 बनाया था। मुझे याद है वो कुशल परेरा बैटिंग कर रहा था, उसने एक कवर्स के ऊपर से चौका मारा, तो वो आके मेरे पास बोले कि वहीं से उन्होंने आवाज मारा कि कवर्स उधर करके पॉइंट इधर कर ले, तीन इधर रख ले। तो मैंने वो वाली बॉल सुनी नहीं, मैंने वो बॉल सुनी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया वो उन्होंने क्या बोला। मैंने डाल दिया, उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मार दिया। वो मेरे पास आया गुस्से से, उन्होंने बोला मैं पागल हूँ, 300 वनडे खेला हूँ समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल डर गया था उस टाइम पे, मुझे बहुत डर गया था कि मैं एकदम से क्या हो गया, मुझे ये कैसे डांट दिया। तो उस टाइम में बहुत डर गया था। तो उसके बाद हमने मैच अच्छा मैच जीते। उसके बाद जब मैं बस में बैठा, माही भाई के बगल में गया मैं बैठा, मैंने पूछा माही भाई को गुस्सा कभी आता है क्या? तो वो बोलते ही मुझे गुस्सा नहीं आता है, अभी गुस्सा आया वो मुझे 20 साल हो गए। कहता अब मुझे एक्सपीरियंस सब चीजों का हो गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, और जब कोई सुनता नहीं है तो वो गुस्सा नहीं है, मैं वो डांटता हूँ। अभी तुमने बेटा गुस्सा देखा नहीं मेरा। तो ये बोल के मैं चुप हो गया। तो फिर बताने लगे कि मुझे गुस्सा भी बहुत पहले आता था, जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था अपने स्टेट के लिए, जब से इंडिया खेला हूँ इंडिया में, कह रहा है कि 2-3 मैचों में मुझे गुस्सा भी आया है, पर कभी उन्होंने बोला नहीं, जिक्र नहीं किया उस चीज को। तो ये केस किसी को पता नहीं शायद, और ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ऐसे मजाक वाले केस तो हमेशा बोलते रहते हैं, पर ये वाला तो मुझे सच में मैं डर गया था इसमें। सबसे बड़ी चीज रही है शायद इंडियन क्रिकेट की भी, दैट एक बहुत यंग न्यूक्लियस, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप ग्रुप विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में रहा नहीं तो जा रहा है, तो एक ग्रुप को देख के बहुत अच्छा लगता है। बट कुलदीप पीछे क्या पड़ा तेरे यार, मेरे को वो पेंटिंग है या दो टीवी है? एक्चुअली ये बड़ी टीवी है, वो छोटी टीवी है।
तो ये टीवी के ऊपर टीवी कौन लगाता है? एक्चुअली नहीं, वो ये टीवी बड़ा वाला टीवी खाली पड़ा हुआ था, तो अभी ये फ्री टाइम था तो मैंने ये वाला लगा दिया नीचे, तो वो वाला ऊपर वाला हटाया नहीं मैंने। तो प्लेस्टेशन चल रहा है? प्लेस्टेशन वो नए वाले घर पे वो होम थिएटर है ना, तो उसमें चला रहे। देखा एक बजरंग बली का बनाया था ना, एक बहुत प्यारा वो वाला देखा था मैंने। अभी मैंने ये बनाया, ये कृष्ण भगवान है इसको, ये अच्छा लगे तो ये मैंने अभी बनाया था, परसों बनाया था, तो ये अच्छा है। कितनी लगी इसको बनाने में? 6 घंटे लगे होंगे। एक पेंटिंग बहुत अच्छी है, ये मैंने अभी शेयर नहीं की इंस्टाग्राम पे, ये बहुत अलग पेंटिंग है, लोगों को समझ में नहीं आएगी शायद इस पेंटिंग का मतलब। बताओ। आई कैन सी द सेटिंग सन, पतझड़ पेड़, उस पे एक पक्षी। टेल मी द मैसेज बिहाइंड इट, क्या सोच के बनाई है ये? अभी जो दुनिया इससे गुजर रही है, जिस तरह से अभी हालात ऐसे हैं कि रोज मतलब सनराइज हो रहा, ढल रहा है और पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब कम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ का, वैसे हम हर जगह देख रहे हैं वो चीज, रोज उस पत्ते झड़ रहे हैं और मतलब आम इंसान अकेला हो गया है, लोग अकेले हो गए हैं। तो एक मैसेज इसमें यही था कि हर मतलब सूरज निकलते ही और ढलते टाइम सब कुछ चेंज होता है, तो जब से निकलता है तो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, जब तो कभी कभी जब मौसम चेंज होता है तो ढलान आती है सूरज की, तो पतझड़ आ जाता है, तो ऐसे टाइम चेंज होता रहता है। अभी टाइम वैसा नहीं है, शायद अभी हमारा टाइम इस जैसा है, पत्ते झड़ गए हैं, हमारा टाइम अच्छा आएगा, तो उसमें तो हर चीज ऐसे बनाई थी, थोड़ा सोच के था। लॉकडाउन खत्म होते पहली चीज दैट यू विल डू? मुझे हाथ घुमा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया। मुझे ऐसा लग रहा हूँ मैं जिस दिन खत्म होगा मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को जाऊंगा, पहले मुझे बॉलिंग करनी है, कम से कम 5-6 ओवर तो डालूंगा कि मुझे फील होना चाहिए। अगर मैं बॉलिंग ना करूँ तो मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। हमने क्रिकेट कनेक्टेड स्टार्ट किया पूरी क्रिकेट को साथ रखने के लिए। अभी आज ही मैंने स्टार स्पोर्ट्स देख रहा था, अपना मैच दिखा रहे थे बीच में हम धमाकेदार दिखा रहे हैं मैचेस। देखी थी अपनी वो एक बाबर आजम को किसी ने आउट किया था, एक चाइनामैन बॉलर ने। हाँ, वो आज ही आ रहा था, वही देख रहा था मैं। बाबर आजम वाला बॉल तो मैं तो बेस्ट चाइनामैन मैंने डाला होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि बॉल जैसे से ड्रिफ्ट हुआ और व्हाइट बॉल इतना होता नहीं, जनरली रेड बॉल होता है। और ऐसे तो मैंने रॉन्ग वंस तो बहुत डाले हैं, पर चाइनामैन वो अलग बॉल था। ये 21 दिन का लॉकडाउन, अगर इसमें कोई क्रिकेटर चाहिए होता साथ में, व्हिच टीममेट वुड बी लॉकडाउन विद हैपिली? चाहिए रहता तो ठीक रहता, बॉन्डिंग अच्छी है तो आराम से टाइम कट जाता बातें पबजी खेलते खेलते। बहुत सारे प्लेयर है यार, एक और ऐसा है, चहल ने 2 पिक किए थे, you can take one more। तो मैं रोहित भाई को लेता, तो चहल में और रोहित भाई। वेल डन, ये दिखाता है कुलचा के बीच में प्यार, उसका आइडेंटिकल आंसर था, उसने बोला कुलदीप और साथ में रोहित भैया, क्योंकि गाली में अकेले क्यों खाऊं। एंड कौन सा वो टीममेट जिसके साथ लॉकडाउन नहीं होना? नहीं, उस पर कोई ऐसा नहीं है।